आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 को। तो 8.4 में हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है कि एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले तो देख लो क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेकेंड ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले जो इसके दो तीन फॉर्मूले हैं मैं उनको बता दूंगा आपको पहले, ठीक है। उन फॉर्मूलाज को भी आप याद कर लेना। एक काम करना आप, अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं तो एक छोटी सी डायरी ले लेना, ठीक है। डायरी में आप या फिर एक अलग से पेज में, ठीक है, अलग से पेज में जो 8.1 से जितने भी हमने फॉर्मूला स्टार्ट किए हैं वो सारे आप फॉर्मूलाज को एक अलग से पेज में लिखते रहें, ठीक है, ताकि आपको वो एकदम से याद रहें और आप क्वेश्चन करने के लिए वहां से एकदम से इजीली उस क्वेश्चन को कर सकें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका टेबल मैंने बताया था उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कहा जाता है। तो उन रेशियोज को भी आप याद कर लो जो आपको फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। फॉर्मूलाज को भी आप याद कर लो एक अलग सा पेज में या फिर अलग एक डायरी आप ले सकते हो जिसमें आप ओनली फॉर्मूलाज डायरी आप डायरीज को तैयार कर लो, ठीक है। एक फॉर्मूला की अलग से डायरी तैयार कर लो जिसमें एक फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक जितने भी फॉर्मूलाज होंगे आप उस डायरी में लिख सकते हो, क्योंकि वो आगे आने वाले टाइम में आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो काफ़ी यूज होंगे, ठीक है। जब भी आप हायर क्लासेज में जाओगे वहां पर भी वो फॉर्मूलाज का यूज आप करोगे। सबसे ज्यादा जो मेन फॉर्मूलाज हैं वो आपके ट्रिग्नोमेट्री के ही यूज होंगे और आपके एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूलाज को आप यूज करोगे। जब भी आप किसी टेस्ट देने जाओगे, ठीक है, तो वहां पर भी आपको फॉर्मूलाज का पता होगा, तभी आप एकदम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक डायरी लगा लो या फिर अलग पेज में आप एक अलग नोटबुक में आप इन फॉर्मूलाज को लिखते रहो। तो सबसे पहले जो फॉर्मूलाज हैं उनको देख लो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर है कि टेन थीटा कैसे हमारा बनता है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तभी ये हमारा बनता है, ठीक है। और सेकंड आपको पता है कि कोट थीटा कब हमारा आता है, जब हमारे पास कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा गिवन हो, ठीक है, इतना आपको पता है। लेकिन आप यहाँ से देखो एक फॉर्मूला और है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू हमारे पास आता है ये वन, ठीक है। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन। अब यहाँ पर देखो वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये सेकेंड फॉर्मूला है, टेन स्क्वेयर थीटा ये हमारा बन जाता है सेक्स स्क्वेयर थीटा, ठीक है, कि वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वेयर थीटा। और लास्ट है हमारे पास वन प्लस कोट थीटा, कोट स्क्वेयर थीटा सॉरी, वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा ये हमारे पास आता है कोसेक स्क्वेयर थीटा, ठीक है। ये तीन जो फॉर्मूलाज हैं इन तीन फॉर्मूलाज से ही हम इस पूरी एक्सरसाइज को करेंगे और इनका भी यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा था हमारे पास कि एक्सप्रेस करो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। उसमें क्या क्या निकालना है हमें, साइन ए निकालना है, साइन ए दिया है, सेक ए दिया है और टेन ए दिया है इन टर्म्स ऑफ कोट ए, इन टर्म्स ऑफ कोट ए, यानी कि हमें इसको कोट ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इन तीनों को, ठीक है। इसको इसको और इसको हमें क्या बनाना है, ये और ये हमें बनाना है कोट ए, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना इसको। देखो साइन ए सबसे पहले लेंगे हम, साइन ए अगर मैंने साइन ए को लिया तो साइन ए हमें पता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको क्लियर किया था कि साइन ए क्या होता है हमारा, साइन थीटा इक्वल टू कोसेक ए, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोस थीटा, हमारे पास यहाँ पर थीटा के प्लेस में ए है इसलिए वन अपॉन कोसेक सॉरी कोसेक ए आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बनाना तो क्या है ये कोट की फॉर्म में, तो कोट की फॉर्म में बनाने के लिए क्या करो, इस कोसेक थीटा को देखो कि ये कोट की फॉर्म में कैसे बनेगा, कोट की फॉर्म में कैसे इसको बनाया जाए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा अगर ये रहा कोट, ठीक है, अगर हमारा कोसेक स्क्वेयर थीटा बन जाए, ठीक है, कोसेक स्क्वेयर थीटा हम इसको कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, ये वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा, ठीक है, कोट की फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वन अपॉन कोसेक स्क्वेयर थीटा हम कर देंगे, ठीक है, और इसको कर देंगे अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में कर देंगे। अब देखो इसको अगर मैं इस तरह से काट दूं तो दोबारा से हमें ये मिल जाएगा, मिलेगा ना, आप खुद देखो। अब यहां पर कोसेक स्क्वेयर थीटा हमारे पास क्या है, वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा, तो हम इसके प्लेस में क्या लिख देंगे,
तो साइन ए क्या बन गया हमारा, वन अपॉन होल अंडर रूट, हम इसके प्लेस में इस पूरे को लिख सकते हैं, वन प्लस कोट स्क्वेयर ए हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में हमारे पास आ चुका है, क्लियर है। अगर आपको नहीं लगता पता तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, बिकॉज कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा, ठीक है। इसका आप यूज करके इसे कर सकते हो। अब देखो साइन ए कर दिया, सेक ए देखते हैं। सेक ए की बात करें तो सेक ए हमारे पास क्या होता है भाई, सेक ए कैसे निकलेगा अब यहां देखो ध्यान से, देखो सेक स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा है, क्लियर है इतना। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कोट की फॉर्म में, ठीक है। कोट की फॉर्म में बिल्कुल इजीली हम इसको बना सकते हैं। देखो क्या करो, सेक ए लिखो और इसका हम अब क्या कर देंगे, सेक स्क्वेयर ए कर देंगे, ठीक है। सेकेंड स्क्वेयर ए कर दिया इसका, तो सेकेंड स्क्वेयर ए हमें पता है कि क्या दिया है, वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए, बिकॉज यहां लिख सकते हो बिकॉज सेकेंड स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए। अब मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, इसके प्लेस में हम क्या लिख देंगे, वन प्लस टेन स्क्वेयर ए। अब आपको पता है कि टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कोट, लिख सकते हैं ना, टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रखो तभी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अब मैं इसके प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस वन अपॉन कोट स्क्वेयर ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वेयर था इसलिए हमने यहाँ पर भी स्क्वेयर ले लिया। देखो कितने इजीली हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं, अब हमारे पास बचता है ओनली टेंजेंट ए, तो टेन ए तो हमें पता है अभी किया हमने, तो यहाँ लिख दो टेन ए को, लिख दो वन अपॉन कोट ए आंसर। देखो थोड़ा टफ था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इसको हमने इजी बना दिया। इजी कैसे बनाया, क्योंकि हमें ये फॉर्मूलाज पता थे, ये हमें फॉर्मूलाज पता थे, जितने भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं वो आपको एकदम से याद होंगे, तभी ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। हमने इन फॉर्मूलाज का भी इसमें यूज किया किया ना, तो ये चार्ट, ठीक है, ये चार्ट, ये फॉर्मूला, जितने फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे आप याद कर लो। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए। हमें क्या करना है, ये एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारी यूज करनी है। सबसे पहले हम लेंगे साइन ए को, तो मैंने सबसे पहले लिया यहां पर साइन ए लिया, तो हमें पता है साइन ए क्या बन जाएगा भाई, साइन ए को आप लिख सकते हो, हमें निकालना किस फॉर्म में, सिकेंट ए की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो इन फॉर्मूलाज को हम भी साथ में रखेंगे, ये फॉर्मूलाज हैं इसलिए सबसे अलग शीट में कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ये फॉर्मूलाज आप देखते चलो, सबसे पहले निकालेंगे हम साइन ए को, क्वेश्चन नंबर है ये टू। साइन ए को निकालने के लिए आप क्या करो, सिंपल सी बात है कि सेक बनाना है हमें, सेकेंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं इसको रूट साइन स्क्वेयर ए कर दूं, ठीक है, रूट साइन स्क्वेयर ए कर दूं, तो हमें पता है कि साइन स्क्वेयर ए करने पे हमें यहां से क्या मिल जाएगा, ये दिखती सी बात है, ये हमें मिल जाएगा वन माइनस कोस स्क्वेयर ए, क्योंकि देखो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन है, ठीक है। यहां से हमने क्या निकाला, साइन स्क्वेयर थीटा निकाला ना, तो साइन स्क्वेयर थीटा को यहीं रखो और इसको वहां भेज दो, वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, यही तो अप्लाई किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पर सेक की फॉर्म में लाना है इसलिए वन माइनस, अब देखो यहां पर ये जो कोस है, कोस क्या होता है आपका, कोस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सिकेंड थीटा, तो यहां पर आप लिख सकते हो बिकॉज कोस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सिकेंड थीटा, तो कितना आ गया, वन अपॉन सिकेंड स्क्वेयर ए, ठीक है, वन अपॉन सेकेंड स्क्वेयर ए। ये तो निकल गया हमारा किसकी फॉर्म में, सेकेंड की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसका एलसीएम भी आप ले सकते हो, ठीक है, एलसीएम ले लो,
ऊपर आ जाएगा एलसीएम लिया तो सिकेंट स्क्वेयर ए आपके पास एलसीएम आया, यहाँ पर आ गया सिकेंट स्क्वेयर ए और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 और होल अंडर रूट। तो ये रहा हमारा साइन ए। अब करते हैं इसका कोस ए। कोस ए में क्या करेंगे हम, देखो कोस ए के लिए कोस ए तो डायरेक्ट निकल जाएगा क्योंकि हमने अभी यहाँ लिखा कोस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, हमें निकालना भी सेक की फॉर्म में है, तो 1/sec ए हमारे पास ये आ गया। थर्ड हम निकाल लेंगे टेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए निकालने के लिए क्या करो, टेंजेंट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे हम रूट टेंजेंट स्क्वेयर ए। ठीक है, हमने इसको कर दिया टेंजेंट स्क्वेयर ए। अब आप यहां देखो फॉर्मूला क्या है टेंजेंट स्क्वेयर ए का, अगर मैं इसको लिखूं तो सेकेंट स्क्वेयर ए बन जाएगा ना। देखिए क्या होगा, बिकॉज आप बिकॉज लिख सकते हो कि 1 प्लस 10 स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वेयर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा। ठीक है, और यहां से आपने टेन निकालना है तो टेन को यहीं रखो, टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू सिकेंट स्क्वेयर थीटा -1 बन जाएगा। अब आप क्या करो, टेंजेंट के प्लेस में इसको रख दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस सिकेंट स्क्वेयर ए, सॉरी ए की फॉर्म में ना, ए -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। अब हमें अगला क्या निकालना है, कोसेक ए। कोसेक ए निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, कोसेक ए निकालने के लिए आप देखो आप कि देखो कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, 1/sin थीटा, तो इसको लिख सकते हैं ना, कोसेक थीटा को डायरेक्ट लिख दो, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin a, बिकॉज रीजन दे दो, बिकॉज कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब इस साइन ए को आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि हमें तो सेक के फॉर्म में चाहिए, तो हम इसका क्या करेंगे, 1/√ क्या कर देंगे, देखो अगर मैं इसको साइन स्क्वेयर ए मान के चलूं, तो आप यहां पर जानते हो कि साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इक्वल टू 1 होगा, या फिर थीटा ले लो इसको। ठीक है, फॉर्मूला है, यहां से आप निकाल लो साइन स्क्वेयर थीटा निकाल रहे हो तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो इसके प्लेस में अब आप क्या लिख सकते हो, यहां पर इसके प्लेस में क्या लिख सकते हो, अंडर रूट लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए। ठीक है, अब यहां देखो मैं इसके प्लेस में क्या लिख सकता हूं, अब इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं ना भाई, साइन स्क्वेयर ए लिख सकते हैं ना, तो लिख दो डायरेक्ट 1/sin² a√। ठीक है, हमें निकालना क्या, अब साइन स्क्वेयर ए आप जानते हैं कि साइन स्क्वेयर ए कैसे आ जाएगा, अब ये तो 1/1/ हम क्या करेंगे, ओ सॉरी यार हमने उल्टा कर दिया इसको, देखो क्या करना है इसमें, इसको आप कर दो 1/√sin² a लिख सकते हो। ठीक है, √sin² a लिख सकते हो। अब इस फॉर्मूले का अप्लाई करो तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 1/√1 cos² थीटा लिख सक ए लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/1 अब इस cos² a का आप क्या लिख सकते हो, 1/sec² a। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया कोसेक ए का। देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी कम बार पूछा गया, शायद इतना पूछा भी नहीं गया है। ठीक है, कभी आया होगा किसी टाइम पे, तो इस पे ज्यादा फोकस मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, फिर भी आपको समझाना जरूरी है ताकि ये क्लियर हो सके सारे पॉइंट्स। अब इसमें क्या करेंगे, लास्ट बचता है हमारे पास कोट ए। कोट ए बड़ा सिंपल है, कोट ए को आप डायरेक्ट 1/tan a लिख दो। ठीक है, और इसको आप क्या करो, 1/tan² a√ में कर दो। तो अब आपको पता है फॉर्मूला क्या है,
वन प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू सेक्स स्क्वेयर है, तो यहां से क्या करेंगे हम डायरेक्ट लिख देंगे कि वन अपॉन रूट में सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस वन, क्योंकि बिकॉज वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वेयर थीटा, और यहां से आप क्या निकाल सकते हो टेन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सेकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस वन, और यही हमने इसमें पुट कर दी। ठीक है, यही हमने इसमें पुट कर दी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें करना है इवेल्युएट। ठीक है, इवेल्युएट करने के लिए हमें हमारे पास टर्म दिया है साइन स्क्वेयर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वेयर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 73 डिग्री। हम क्या करेंगे इसको, हम इसे इस तरह से लिख देंगे साइन 63 का होल स्क्वेयर डिग्री का होल स्क्वेयर प्लस साइन 27 डिग्री का होल स्क्वेयर डिवाइड में कोस 17 डिग्री का होल स्क्वेयर प्लस कोस 73 डिग्री का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। अब यहां से आपने जैसे 8.3 में क्वेश्चन किए थे वहां पर हमने क्या किया था, इसे रखा था साइन और इसे कर देंगे हम 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस अगर 27 हम कर दें, ठीक है, कितना बन जाएगा ये 63 बन जाएगा, और आपके पास ये स्क्वेयर में चला है टर्म, तो इसको पूरे में होल स्क्वेयर कर दो, बाकी प्लस साइन 27 डिग्री का होल स्क्वेयर रखो। ठीक है, अब अपॉन में क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास है कोस, अगर मैं 90 माइनस 73 कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ये कितना आ जाएगा ये 17, और इसका होल स्क्वेयर प्लस कोस 73 डिग्री को आप इस तरह से ही रखो। ठीक है, इतना क्लियर है। अब साइन 90 माइनस थीटा आपको पता है कोस थीटा होता है, तो कोस 27 आ गया और इसका होल स्क्वेयर प्लस यहां पर क्या है कोस 73 डिग्री का होल स्क्वेयर डिवाइड में कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 73 डिग्री आ जाएगा और इसका होल स्क्वेयर प्लस कोस 73 डिग्री होल स्क्वेयर। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, हम इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोस स्क्वेयर 27 लिख सकते हैं प्लस कोस स्क्वेयर 73 लिख सकते हैं अपॉन साइन स्क्वेयर 73 लिख सकते हैं प्लस कोस स्क्वेयर 73 डिग्री लिख सकते हैं। ये सारी डिग्रीज में आ गया। अब देखो ये जो 27 है ये तो एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल और ये भी एंगल, यानी कि 27 73 73 73 हमारे पास क्या है, ये एंगल है। ठीक ठीक है, अच्छा यहाँ मिस्टेक हुई थोड़ी सी, ये 27 था ना, तो यहाँ 27 आएगा, ये भी 27 आएगा यहाँ पे, क्लियर है, यहाँ पर देख लेना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये 27 है यहाँ भी 27 है, बाकी ठीक है, ये थीटा है ये थीटा ये थीटा और ये भी थीटा, तो कोस स्क्वेयर थीटा, अब मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, यहां जैसे लिख रहा हूं मैं कि कोस स्क्वेयर थीटा प्लस यहां पर क्या है, सॉरी यार यहां से ना सारी गड़बड़ हो गई, यहां से इस पार्ट में इतना इतना हमारा कैंसिल हो गया। देखो साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस, कोस कितना आ गया 27 डिग्री, और इसका हम कर देंगे होल स्क्वेयर प्लस बाहर आपके पास है साइन 27 डिग्री, इसका भी होल स्क्वायर, थोड़ी यहां पर मैंने कोस ही लिख दिया था गलती से, अपॉन में यहां पर आपके पास कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन 73 डिग्री होल स्क्वायर प्लस अब यहां पर कितना है आपके पास, ये कोस 73 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन साइन स्क्वेयर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 73 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बताया ये सारे क्या हैं एंगल, थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो देखो जो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा हमारे पास क्या आएगा इक्वल टू ओनली वन। ठीक है, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, इसको थीटा इसको थीटा इसको थीटा और इसको थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वन। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डायरेक्ट वन,
और ये भी क्या है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा एक ही बात है, तो ये भी कितना आ गया अपॉन में 1, विच इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, अब है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ठीक है, यहां पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि साइन 90 माइनस अगर हम 65 करते हैं तो हमारे पास 25 आएगा, और यहां पर लिख दो कोस 65 प्लस कोस 90 माइनस 65, यहां पर आ जाएगा साइन 65 डिग्री। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये आपके पास आ गया कोस 65 डिग्री, और साथ में क्या है ये कोस 65 डिग्री प्लस, यहां देखो कोस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन 65 डिग्री, और यहां तो ऑलरेडी साइन 65 डिग्री है। ठीक है, यहां से क्या बन रहा है, ये कोस स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो गया तो कोस स्क्वेयर 65 डिग्री आ गया, यहां से ये मल्टीप्लाई हो गया तो साइन स्क्वेयर 65 डिग्री आ गया। अब दोबारा से ये क्या बन रहा है, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, ये तो थीटा ही है ना एक किस्म से, हमारे पास ये भी थीटा है ये भी थीटा है, हम लिख सकते हैं को डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको इक्वल टू 1 लिख दो। ठीक है, इक्वल टू 1 आंसर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, 8.4 के हमने किए थर्ड क्वेश्चन तक, इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करना, उसके MCQs हैं, एग्जाम में जो है 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क रहा। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे उसमें है टोटल 10 पार्ट्स। ठीक है, 10 पार्ट्स हैं इसमें, हम एक एक करके सभी को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि एक अलग से डायरी या फिर अलग सा पेज लेकर के या फिर कॉपी में आप इन फॉर्मूलाज को नोट कर लो, ये आपके आगे भी जब भी आप +1 या +2 में जाओगे वहां पर भी ये फॉर्मूलाज का यूज करोगे, ग्रेजुएशन लेवल में भी करोगे, उसके बाद आप हायर क्लास यानी कि MSc करते हो या फिर आप इंजीनियरिंग साइड जाना चाहो तो वहां पर भी इन फॉर्मूलाज का काफी यूज किया जाता है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।